अच्छा, अब जो है वो हम रूल्स फॉर साइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो देखेंगे। तो आपको पता है कि एवरी एलिमेंट जो है, कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट, उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो कि उसकी ऊपर लगी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे ये देखो Na पॉजिटिव है, तो लाइक Na की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। Cl की 1- है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं बेसिकली। तो इसके रूल्स क्या हैं? तो भी पहला रूल जो है कि ऑल अनकम्बाइंड एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं, ऑल अनकम्बाइंड एलिमेंट्स आर गिवन एन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 1। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कार्बन की बात करें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, ठीक है। ऑल मोनोटॉमिक आयंस हैव ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू द चार्जेस। फॉर एग्जांपल, द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर Cl इज -1, जिंक इज +2, ठीक है, द मोनोटॉमिक आयंस। एंड डायटॉमिक की 0 होगी। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज -2 एक्सेप्ट इन पेरोक्साइड्स वेयर इट इज -1। फॉर एग्जांपल, इन H2O ऑक्सीडेशन विल बी O विल बी -1, एंड वेयर एज इन H2O2 इट विल बी -1, ठीक है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन अ कंपाउंड इज +1 एक्सेप्ट इन मेटल हाइड्राइड वेयर इट इज -1। The sum of oxidation number of all atoms must be zero for an electrically neutral compound and must be equal to overall charge for an ionic species. Maximum oxidation state numbers of an element are equal to number of electrons present. Outermost shell transition metals have variable oxidation states. ठीक हो गया। तो ये जो रूल्स थे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी एक वो समरी मैंने आपको भेजी थी, तो वही है। वो हो गया। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स में वो डिटरमिन कैसे करते हैं। कि आपके पास एक कंपाउंड है HCHO4, मैं कहता हूँ एच की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, तो आप ये कह सकोगे कि एच एच तो है ना एच ओ ओ ओ ओ ठीक है, और कहोगे हाइड्रोजन +1 +1 ये एक्स हो गया, ये -2 -2 -2 -2 इक्वल टू 0 कर दो, फिर ये एक्स जो आपके पास आएगा वो प्लस दिखाएगा, तो आपको कैसे देखिए। अच्छा, अब आप, मैं ये कहता हूँ आपके पास H2SO4 है, आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन क्या है +1, सल्फर की क्या है +6, इसकी क्या है -2 ऑक्सीजन की, तो आप ये कहते हो कि हाइड्रोजन 2 है +2 ये एक -8, दिस व्हेन यू ऐड दिस दिस अप यू गेट 0, तो आप ये कहते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस पूरे कंपाउंड की, इस पूरे 0 ठीक है +1 नहीं 0 है, ठीक हो गया, सिंपल बेसिक सी चीज है। अब मैं ये कहता हूँ एक स्टेटमेंट लिख लीजिए काम आएगी आपको, वो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम होती है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ बता रहे होते हैं तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम बनते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम करके बताते हैं, मतलब आपने देखा है जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम प्लस जो एच टू है तो हमने जब +2 ही लिख दी थी ना, लेकिन नहीं, हमने कहा ऑक्सीजन एच है +1 फिर एच +1 फिर एच +1 फिर -2 -2 -2 -2 -2, ठीक है। दो एग्जाम्पल देता हूँ आपको, वो है HNO3, क्या करें खुद बताए कि एक्स क्या है, तो बताएं कि ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक, मैं देखता हूँ आप कितना अच्छा खुद करते हैं, वेट कर रहा हूँ। अच्छा, अब हाइड्रोजन का आपको पता है कि हाइड्रोजन इज +1 +1
ऑक्सीजन इज माइनस टू, ठीक है। तो आप ही कहते हो प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू माइनस टू माइनस टू जीरो, एक्स विल बी प्लस फाइव, ठीक है। एक्स की वैल्यू दस है। अब ओवरऑल चार्ज क्या है इसमें? ओवरऑल चार्ज ऐसे आप निकालोगे, आप लोगे प्लस वन प्लस फाइव माइनस टू माइनस टू माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। जीरो है ओवरऑल चार्ज, जीरो है ओवरऑल चार्ज। अब एग्जांपल में H3PO4 और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है आपने, कुछ ऐसे है कि हाइड्रोजन 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 सी ओ ओ ओ ओ, ठीक है, प्लस वन प्लस वन एक्स माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, एक्स विल बी इक्वल टू जीरो करेंगे और एक्स विल बी क्या है एक्स अब आप ये कहते हो x है प्लस माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू। इक्वल टू माइनस टू क्यों आया है? इक्वल टू माइनस टू इसलिए आया है क्योंकि ये टू नेगेटिव इसका चार्ज इक्वल टू टू नेगेटिव हो जाएगा। जब इधर हम देख रहे थे कि इधर जो है ये इधर इधर ओवरऑल जीरो चार्ज है तो हमने इधर जीरो लिखा था, ठीक है। इधर ओवरऑल जीरो चार्ज था तो इधर हमने जीरो लिख के इधर भी हमने जीरो इसी को जो हमने जीरो रखा था, ठीक है। तो अब एक्स साइन करें तो एक्स की जो वैल्यू है वो आती है प्लस से, ठीक है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास क्या है? प्लस से। अब मैं आपको एक और देता हूँ और वो है NO3-1 नेगेटिव। एन एक्स ले लें, नाइट्रोजन गैस रिलेशन स्टेट एक्स है माइनस टू माइनस टू माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन, तो एक्स क्या आएगा प्लस फाइव वो, ठीक है। अब यही प्लस फाइव एच थ्री पी ओ फोर में हमने निकाला और एच टू एच ओ फोर में भी निकाला, ठीक है। अब एक और है पी ओ फोर थ्री नेगेटिव, एक्स माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू इक्वल्स टू माइनस थ्री, एक्स विल बी प्लस फाइव, ठीक है। समझ आ रहा है? अच्छा आगे आते हैं इसी तरह, तो मैं आपको अब देता हूँ ये तो एन एक्स है प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, तो x क्या आएगा माइनस थ्री आ जाएगा नाइट्रोजन की माइनस थ्री। इसी तरह अगर आपके पास एटम हो सी एल नेगेटिव, ठीक है, और टू नेगेटिव, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है इसकी माइनस वन है इसकी माइनस टू है, ठीक है। रिकॉर्ड देता हूँ अब आप लिख सकते हैं वो है जिंक,
सल्फर की निकालनी है। जिंक आपको पता है जिंक क्या है, प्लस टू प्लस एक्स माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो एक्स विल बी ठीक हो गया। तो एक और ये है MnO41 नेगेटिव। तो अब आपको पता है कि Mn की अगर आपने साइन करनी है तो x माइनस एट इक्वल्स टू माइनस वन, x इज प्लस वन, तो Mn जो है ये प्लस सेवन। इसके अलावा अगर देखो मैं Br2O72 नेगेटिव को, तो मैं ये कहता हूँ Cr2 है, यानी कि Cr, CrO, O, 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 इनमें O है और माइनस टू, और फिर ये हो जाता है कि Cr x प्लस x माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू, तो टू एक्स, ये सारा आपने सॉल्व किया तो x की जो वैल्यू है वो। अच्छा, जो अगली चीज है वो इधर वो ये है कि इसी उसमें हम जो हैं वो कैसे करेंगे, इक्वेशन आ जाए तो उसके साथ हम क्या करेंगे। तो मैं एग्जांपल देता हूँ इधर, और वो ये है कि H2S plus SO2 gives us H2O plus S, ठीक है। तो अब इसमें आप देखें कि H2 जो है इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, इसकी माइनस टू है, इधर सल्फर की प्लस फोर है, इधर माइनस टू है, इधर H2 की प्लस वन है, इधर माइनस टू है, इधर जीरो है। तो इधर हम क्या बात सीखते हैं, वो ये बात सीखते हैं कि जब इधर से आप देख सकते हैं H2S में जो सल्फर है माइनस टू से जीरो गया, और इधर ही जो सल्फर प्लस फोर से भी जीरो गया। तो इधर क्या हुआ, जब माइनस टू से जीरो गया हम कहते हैं कि इधर ऑक्सीडेशन हुई है, और जब प्लस फोर से जीरो गया तो हम कहते हैं इधर रिडक्शन हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ रिएक्शन के बारे में एक बात लिख लें, वो ये है कि H2S has oxidized because oxidation state of S changed from minus 2 in H2S to 0 in S. I'm sorry कि मेरी राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, अब आपको बर्दाश्त करना होगा। अच्छा, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि SO2 has reduced because because oxidation state of S decreased from plus 4 in SO2 to 0 in S. Okay? अच्छा जी, अब रुके जरा एक सेकंड, इसको ऊपर कर दें ताकि हम इधर सारी बातें लिख सकें। अच्छा ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं SO2 reduced has reduced in the presence of H2S or H2S is therefore a reducing agent.
ठीक हो गया। हम ये कहते हैं कि H2S जो है इधर आपके पास एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो SO2 आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अच्छा एक और चीज जो है, अगली एक और इक्वेशन देखते हैं। तो वो इक्वेशन कुछ ऐसी है कि H2S प्लस SO2, यही इक्वेशन दोबारा अब मैं एक और तरीके से भी आपको बताऊं कि इसमें अब आप बताएं कि हाइड्रोजन की प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की माइनस टू, सल्फर की प्लस फोर, ऑक्सीजन की माइनस टू, प्लस वन माइनस टू, इसकी जीरो। और अब आपको पता है कि आपने क्या किया है कि आपने माइनस टू से जीरो आ गए और प्लस फोर से भी जीरो आ गए, ठीक है। एक बात है वो ये है कि एस टू नेगेटिव, एस जीरो हो गया, ये माइनस टू था ना, ये जीरो हो गया। तो हम इसके लिए इक्वेशन से वो ये है एस टू नेगेटिव इज एस जीरो हो गया। तो इसमें आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और दूसरी साइड पर ये हुआ कि एस फोर पॉजिटिव भी एस जीरो हो गया। इधर आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, फोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आपको पता है कि इधर हाईएस्ट फोर है, तो अब आप इसको डिवाइड बाय टू तो नहीं कर सकते, तो इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दें ताकि आपके पास ये टू इलेक्ट्रॉन फोर हो जाए और ये भी फोर हो जाए, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। तो अब इससे अगर मैं कहूं कि आप इक्वेशन बैलेंस करें, तो इधर टू लगा देंगे, अरे तो ब्लैक, एक सेकेंड, इधर टू लगा दें, इधर टू लगा दें, इधर वन लगा दें और इधर थ्री लगा देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। इसकी एक और एग्जांपल मैं कराता हूँ। अब ये नई इक्वेशन है, वो ही नहीं है, टू सॉरी NH3 प्लस CuO गिव्स अस N2 प्लस Cu प्लस H2O। N की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री है, हाइड्रोजन की प्लस वन है, Cu की प्लस टू है, ऑक्सीजन की माइनस टू है, N2 की जीरो है, Cu की भी जीरो है, H2 की प्लस वन है, माइनस टू। अब इधर बताना है कि क्या चीज कैसे ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुई है। तो आप पहली सबसे वो देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है ये प्लस थ्री से जीरो आ गया और कॉपर जो है वो प्लस टू से जीरो आ गया। तो प्लस थ्री से जब जीरो आया तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है इसकी और कॉपर की रिडक्शन हुई है, ठीक है। एक चीज देखें कि वो ये है कि N3 नेगेटिव था, ठीक है, और उसमें आपने N जीरो कर लिया, ठीक है। कॉपर टू पॉजिटिव था, इसको कॉपर जीरो कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन्स डाले और सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, ये टू एन टू एन थ्री नेगेटिव था, ठीक है, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन। इधर भी आपने टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाए और इसको सिक्स करने के लिए इनटू थ्री कर दिया, तो दो नाइट्रोजन आपने इधर करवाए, तो टू लिख दो, इधर थ्री लिख दो, तीन कॉपर हो गए, एन टू जो है वो वही रहेगा, थ्री कॉपर और थ्री एच टू, ठीक हो गया। तो ये ऐसे आपने बेसिकली बैलेंस कर दी। एक और बात, एक और काम आप ये करें, एक और इक्वेशन देखें, ये आपके उसमें अभी पेपर हुआ है ना, उसमें भी आई थी, तो लेकिन वो मॉक हुआ था ना आपका, तो उसमें भी आई थी, तो ये आ नहीं रही थी बहुत से लोगों, लेकिन बहुत से लोग थे जिन्होंने फिर भी ये इससे कर ली थी और आई वॉज इम्प्रेस्ड, मैंने पढ़ाई नहीं और आप लोगों ने कर लिया, आप लोगों में से बहुत बच्चे हैं उन्होंने कर दिया। अच्छा इक्वेशन कुछ Fe2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव
प्लस MnO4 नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव प्लस O प्लस Mn2 पॉजिटिव। अच्छा अब ऑक्सीडेशन स्टेट में इधर Fe की प्लस 2 है, उनकी प्लस 1 है, Mn की प्लस 7 है, ऑक्सीजन की माइनस 2 है, 7 है। Fe की प्लस 3 है, 2 की प्लस 1 है, ये माइनस 2 है, माइनस 2 है। अब बताना है कि क्या चीज कैसे ऑक्सीडाइज हुई। तो Fe प्लस 2 से प्लस 3 चली गई, ठीक हो गया, और बाकी कुछ चीज, और ये Mn प्लस 7 से माइनस 2 भी चला गया, ठीक है। अच्छा इसी तरह जैसे आपने इधर ये कहा, ये चीज की और इधर ये चीज की, तो इधर दोबारा भी कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल हम करेंगे। हम ये कहते हैं Fe2 पॉजिटिव से आपने Fe3 पॉजिटिव बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। Mn7 पॉजिटिव प्लस, सॉरी प्लस नहीं, Mn2 पॉजिटिव, तो प्लस 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन इधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैलेंस करने के लिए फिर आप ये कहेंगे कि इधर 5 Fe2 पॉजिटिव लगेगा, इधर 8 लगेगा, इधर 1 लगेगा, इधर 5 लगेगा, इधर 4 लगेगा, इधर 1 लगेगा, ठीक है। तो ये ऐसे बैलेंस करो, ठीक है।